इस डॉल्फिन ने आत्महत्या कर ली। ये सब सुनकर शायद आप लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है दोस्तों। ये जीव हंसते हैं और इनकी अपनी फीलिंग होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये सबके साथ साथ ही ये बहुत बुद्धिमान और समझदार भी होती है। तो सन 1965 में नासा पीटर नाम का एक मेल डॉल्फिन को मार्गरेट नाम की एक लड़की ट्रेनिंग देने के लिए आई, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान डॉल्फिन अपने ट्रेनर से मेंटली इतनी ज्यादा अटैच हो गई, जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तो नासा इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। फिर ये डॉल्फिन अपने ट्रेनर को ना देख पाने की वजह से बहुत दुखी रहने लगा और खाना पीना छोड़कर अपने ट्रेनर को बुलाता रहा। जैसे जैसे दिन बीतती गई ये और दुखी रहने लगा और फिर एक दिन इसने सुसाइड कर ली। ये पुल के नीचे पानी के अंदर चला गया और सांस लेने के लिए बाहर आया ही नहीं। चूंकि डॉल्फिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, इसलिए इसकी मौत हो गई। और दोस्तों देखे ना, जानवरों में भी फीलिंग्स होती है। इस डॉल्फिन के लिए लाइक तो बनती है।